अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग ने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। एंड यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल डेंसिटी अब आ गई है, यानी हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियाई रेडियस ऑफ ग्रेडिएशन फाइंड करना है, जिसके फार्मूले हम लोग यहाँ पर टेबल में पढ़ चुके हैं एंड उसकी एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। बहुत ही ईजी थे ये भी, हम लोग ने बीच में एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ये चीज़ें फाइंड की थी, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि चीज़ हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। सिंपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में चीज़ें पुटिंग करनी है, बस यहाँ पर जो मुश्किल काम है वो मुश्किल काम क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ ग्रेडिएशन अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ अ थिन प्लेन बाउंडेड बाय अ पैराबोला, जो कि है हमारे पास x इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इफ़ हमारे पास जो फंक्शन है वो x प्लस वाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मास बनेगा वो किस तरह से बनेगा, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर हमारे पास मास है और मास हमारे पास क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एंड ये होगा हमारे पास 0 to 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई एंड वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से ये जो लिमिट होती है ये निकालते हैं एंड देन हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, एक्स वाई प्लस एंड साथ में डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं पहले डी ऑफ एक्स लिख रही हूँ, क्योंकि अब अगर हम लोग डी ऑफ एक्स पहले लिखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट विल बी सेटिस्फाई वेरी क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग मास फाइंड करेंगे एंड मास के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले डी ऑफ एक्स को हम लोग इस फंक्शन को डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ नहीं इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन अब बहुत ईजी है, सबको आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि ये फंक्शंस काफ़ी ईजी हैं, ठीक है। दिखने में नहीं लगता लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो वो एक्स और वाई वही होता है, ठीक है। या तो पावर स्क्वायर आ जाती है तो डिवीजन में स्क्वायर आ जाता है, बस यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 to 2 हो जाएगा एंड जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस वाई और एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी, जो कि है माइनस वाई एंड वाई माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। साथ में हमारे पास डी ऑफ वाई आ जाएगा, डी ऑफ वाई कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, 0 और ये हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 वाई क्यूब प्लस 2 वाई स्क्वायर एंड अच्छा स्क्वायर से इसे लगा दें एंड डी ऑफ वाई, ठीक है। अब बस लिमिट सिंपली पुट करनी है, अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो माइनस कर दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इतना डायरेक्ट बनता है क्योंकि अब इंटीग्रेशन हमारे लेवल के लिए काफ़ी छोटी सी चीज़ हो गई है, लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो ज़रा ज़्यादा सोल्यूशन करे, ठीक है, उस चीज़ की। एंड आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस से करेंगे तो देखिएगा आपको पूरी की पूरी सोल्यूशन आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। देन हमारे पास अब हमें क्या बचा है, अब हमें डी ऑफ वाई बचा है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई। तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ पर वाई 4/4 आ जाएगा, यहाँ पर वाई 3/3 आ जाएगा। उसको हम लोग प्लस माइनस कर देंगे एंड उसमें लिमिट पुट करेंगे 2, 0 का तो वैसे भी 0 होगा, लिमिट 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास y, अच्छा ये हमारे पास क्या था, ये था x हमारे पास और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास y था। अच्छा जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास y 4 हो जाएगा, सही है। बाकी के सही हैं, बाकी के सही हैं, सिर्फ ये वाले में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास y 4 है तो ये क्या हो जाएगा, y 5 हो जाएगा एंड 5 नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा y 4 एंड नीचे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी एंड प्लस ये हो जाएगा 2y 3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कट जाएंगे एंड लिमिट हमारे पास 0 to 2 कंटिन्यू रहेगी। जब हम लोग इसमें 2 लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 8/15 आ जाएगा एंड जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, मास 8/15, मैंने यहाँ पर 15 बोला और लिखा 18, तो 15 आ गया। तो हमारे पास मास आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आई ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी आइडेंटिटी विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए इधर लिख लेते हैं,
और यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो मास था वो क्या था, हमारे पास 8/15, ठीक है, 8/15। ये 8 कुछ ज़्यादा ही अजीब सा नहीं है, बस सही है। यहाँ पर हम लोग अब क्या फाइंड करेंगे, आई ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एंड इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वाई स्क्वेयर विथ फंक्शन। फंक्शन क्या था, एक्स वाई प्लस था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई। यहाँ पर हमारे पास लिमिट वही रहेंगी 0 to 2, एंड यहाँ पर माइनस वाई एंड वाई माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट वही रहेंगी, बस यहाँ पर वाई स्क्वेयर आ गया। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई एक्स, और ये हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। हाँ सही है, तो हमारे पास वाई क्यूब हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो लिमिट है वो हो जाएगी माइनस वाई एंड वाई माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है 0 to 2 एंड डी ऑफ वाई वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, ठीक है। एंड फिर हम लोग ने क्या कर दिया, इधर हम लोग पुट कर देंगे। हाँ सही है जा रहा है। अच्छा यहाँ पर हो गया है, ये हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 to 2। लिमिट पुट करेंगे तो वी विल गेट y की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 y की पावर 5 प्लस 2 y की पावर 4, और साथ में d ऑफ y आ जाएगा। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो अगेन हमारे पास जो पावर्स हैं वो फिर से हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगी, एंड नीचे डिवीजन में भी हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगे। देन उसमें हम लोग को क्या पुट करना है, जो हमारी लिमिट है 2 वो पुट करनी है, एंड देन वी विल गेट 64/105। तो cos theta तो है नहीं जो ज़्यादा मुश्किल हो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हम लोग वो स्किप कर देंगे। एंड हमारे पास आई ऑफ एक्स आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि आई ऑफ एक्स की वैल्यू है 64/105, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों ने आर ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आर ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। अब हमें आर ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है, वी नो दैट कि आर ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, आई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एम, और साथ में हमारे पास स्क्वेयर रूट आता है। आई ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 64/105, एंड साथ में एम क्या था, 8/15। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट 2/7 and 2, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इस फॉर्म में लिखें या फिर आप पूरा जो हमारे पास स्क्वेयर रूट फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 को देखें, तो ये बोलते हैं फाइंड मास ऑफ द थिन प्लेन ऑक्यूपाइंग द स्मॉल रीजन कट फ्रॉम द एलिप्स। तो एलिप्स हमें दिया गया है बाय द पैराबोला एक्स इज इक्वल टू 4y² इफ़ हमारे पास फंक्शन f(5x) हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ मास फाइंड करेंगे, एंड मास फाइंड करना हमें आता है, मास हमने काफ़ी जगहों पर फाइंड कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले हमने मास फाइंड करना है और आखिरी में भी मास ही फाइंड करना है, यानी सिर्फ मास फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से रीड करना है कि आपको पता चल जाए कि आपने फाइंड क्या करना है। अब ऐसे ना उन्होंने सिर्फ मास मांगा है और आप क्या कर दें, आप उसमें साथ में हमारे पास क्या कर दें, मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट भी फाइंड कर दें एंड साथ में सेंटर ऑफ मास भी फाइंड कर दें, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर जो हमारे पास मास है, दैट विल बी माइनस स्क्वेयर रूट 3/2, एंड यहाँ पर हो जाएगा स्क्वेयर रूट 3/2, और जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 4y², एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12-4y², एंड हम सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या था, 5x था, साथ में हम लोग डी ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स ले लेंगे, क्योंकि एक्स है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स पहले लेंगे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है दैट विल बी सो सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन तो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x² / 2, तो ये हो जाएगा 5x² / 2, एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो वही रहेगी 4y², एंड ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट 12-4y², एंड साथ में डी ऑफ वाई भी वही रह जाएगा। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, सो वी विल गेट 12-4y² -16y² एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ फाइव। साथ में हमारे पास इंटीग्रेशन वही रहेगी -3/2 square root एंड 3/2 का स्क्वेयर रूट पॉजिटिव। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एंड साथ में लिमिट पुट कर देंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी काम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 23 एंड स्क्वायर रूट 3। अब ये जो चीज़ें हैं देखें, आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है और आंसर को टैली करना है, आंसर करेक्ट होना चाहिए, देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 33 को, तो यहाँ पर हमारे पास है फाइंड अ सेंटर ऑफ मास, यानी हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है विद वाई एक्सिस, एंड जो लाइन है वो वाई इज इक्वल टू एक्स है, एंड वाई हमारे पास 2 - x है, एंड हमारे पास जो फंक्शन है वो 6x + 3y + 3 गिवन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से ज़्यादा ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू दीज क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे मास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे। मास हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 और 1 हमारे पास इंटीग्रेशन है, एंड देन x एंड 2 - x हमारे पास सेकंड जो लिमिट है वो, फंक्शन हमारे पास क्या था 6x + 3y + 3, एंड से हम लोग लिख देंगे डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो वी विल गेट 0 एंड 1 तो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो 6xy आ जाएगा प्लस 3y² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 ऑफ वाई आ जाएगा, डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा, एंड यहाँ पर लिमिट जो है एक्स एंड 2 - x आ जाएगी, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, एंड देन वी विल गेट 12 - 12x² यहाँ पर हमारे पास ये बच जाएगा, एंड हमारे पास जो इंटीग्रेशन है डी ऑफ एक्स की, अब हम लोग वो अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स की काफ़ी इजी है, ये 12x हो जाएगा, 12x³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, एंड यहाँ पर लिमिट 1 पुट कर देंगे 0 पे, तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 ही होंगे। तो हमारे पास जो m निकल आएगा दैट विल बी 8। तो m हमारे पास क्या है, m हमारे पास 8 है। नाउ वी हैव टू फाइंड m ऑफ y, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर था x एंड यहाँ पर था 0। अब m ऑफ y फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम m ऑफ y लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, x। तो ये क्या हो जाएगा 6x² + 3xy + 3x हो जाएगा फंक्शन, एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6x² y + 3xy² डिवाइडेड बाई 2 + 3xy। तो मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया, अब लिमिट आप पुट कीजिए, लिमिट काफ़ी ईजी है, x और 2 - x है। जब हम लोग लिमिट पुट कर देंगे देन वी विल गेट 0 एंड 1, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14 - 6x - 6x² - 2x³ हो जाएगा। आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। एंड यहाँ पर हमारे पास डी ऑफ एक्स रह जाएगा, अब इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, देन इट विल बी 14x - 6x² डिवाइडेड बाई 2 - 6x³ डिवाइडेड बाई 3 - 2x² डिवाइडेड बाई 4, एंड इस पर हम लोग लिमिट 1 अप्लाई कर देंगे 0 के, तो वाले से भी सारे टर्म 0 होंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो आंसर होगा एम ऑफ वाई का दैट will be 17/2। तो m of x find कर लिया, m of y find कर लिया, m of x find किया, नहीं अच्छा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। m of x अभी तक find नहीं किया, तो m of x find करते हैं। इसी में हमने क्या करना है, अच्छा ये हमारे पास 3 आएगा, ठीक है ना, m of y का आंसर, तो यहाँ पर लिख देते हैं m ऑफ y हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, m ऑफ x फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे चेंजेस, ये हो जाएगा m ऑफ x, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y को, एंड ये कंटिन्यू रहेगा। तो जब हम लोग इसको y को मल्टीप्लाई करेंगे 6xy हो जाएगा प्लस 3y² हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा 3y, एंड देन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल गेट 6xy² डिवाइडेड बाई 2 + 3y, ये हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब प्लस 3y² डिवाइडेड बाय स्क्वायर, दिस कट जाएंगे, 2 कैल्सियम ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी आपस में कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, एंड देन इसमें हम लोग लिमिट क्या पुट करेंगे, एक्स एंड 2 - x। तो लिमिट का काम आपका है, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड डी ऑफ एक्स रह जाएगा। अब हमारे पास इससे आंसर क्या आ जाएगा, वी विल गेट द आंसर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, एंड देन हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 14 - 6x - 6x² - 2x³। अच्छा वो जो हमारे पास m of y था उधर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लें,
सही है, वहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन के बाद आई थिंक मैंने ये वाला लिख लिया था, ठीक है, एम ऑफ एक्स का, तो वहाँ पर जो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर लें आप, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा कि किस किस ने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास रह जाएगा एन, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से निकालेंगे देन वी विल गेट 17/2, ठीक है। तो आंसर मैं डायरेक्ट बता दिया है, अब काफ़ी सारी वीडियोज़ बना ली है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 17/2 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्स बार जब फाइंड करेंगे तो एक्स बार में हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारे पास एम ऑफ वाई था डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, और वाई बार में हमारे पास एम ऑफ एक्स हमारे पास डिवाइड हो जाएगा एम से। वैल्यूज़ दोनों की हम लोग निकाली हुई है, तो आप लोग वैल्यूज़ पुट कीजिए, एंड हमारे पास एक्स बार जो है दैट विल बी 3/8, एंड जो हमारे पास एम वाई ऑफ बार है तो वो क्या हो जाएगा 17/16 हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको समझना है क्या कि क्या है हमारे पास, किस तरह से सॉल्व होगा एंड हमारे पास आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।